दोस्तों नमस्कार। अरे ताश वास खरीद लिए कि नहीं खरीद लिए महाराज? ताश का मतलब प्लेइंग कार्ड, उसको अंग्रेजी में प्लेइंग कार्ड बोलते हैं। बहुत जरूरत पड़ने वाला है क्योंकि अगले एक क्वार्टर में 5 लाख और साफ। आज एक खबर आया है कि अगले एक क्वार्टर में 5 लाख लोग और बेरोजगार हो रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो ताश वास खरीद लीजिए महाराज, 28 खेलेंगे या जोर पत्ती। हालांकि जो बड़े बड़े जो बेरोजगार होंगे वो तो रमी खेलेंगे, लेकिन इंटरनेट देखने के लिए भी पैसा नहीं होगा आपके पास, 100 रुपया महीना भी। तो ताशे ना 10 रुपये का गड्डी खरीदिएगा तो फिर खेलिएगा, आराम से टाइम पास होगा। क्योंकि देश के मुद्दों से तो आपका सरोकार है ही नहीं है, क्योंकि आप तो ये देख रहे हैं कि अच्छा उसका भी नौकरी गया तो चलो आ जा भाई तू भी ताश खेल। और अगर आप आम आदमी हैं रोड पे निकलिएगा तो कौन सा फाइन ठोक दिया जाएगा आप पे, तो फिर घर बेच के देना पड़ेगा। दोस्तों आइए लौटते हैं मुद्दे पे। 5 लाख नौकरियां ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज ही की खबर के मुताबिक अगले क्वार्टर में चली जाएगी। ऐसा खबर आया है कि ऑटो इंडस्ट्रीज में जो मंदियां चल रही है उसके वजह से। लेकिन बात आज इसकी भी नहीं, बात यह है कि क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? क्या आम लोग अगर कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको जुर्माना, तरह तरह के जुर्माना। मैं यहां बात कर रहा हूं कि हाई कोर्ट में एक PIL दायर किया गया था ओला उबर के खिलाफ में, और एक NGO आर्ट ऑफ लर्निंग एंड फाउंडेशन नाम का NGO जिन्होंने PIL दायर किया था, और उन्होंने कहा कि 2015 में जो सिटी टैक्सी स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई थी उसको ये ओला उबर दोनों फॉलो नहीं कर रही है, जिसके तहत महिला सुरक्षा का मेन मुद्दा था और पैसेंजर से कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन सब मुद्दों को लेकर के उन्होंने एक PIL दाखिल किया। अब आप एक चीज़ बताइए कि जो ओला उबर इतने सालों से चल रही है 2015 की सिटी टैक्सी स्कीम उसको फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि वही जो आम ड्राइवर्स इनके साथ चल रहे हैं उनके ऊपर उसमें लिखे हुए सारे नियम उन पे थोप दिया गया है, चाहे वो पैनिक बटन की बात हो, चाहे उनकी किसी भी उस 90% चीज़ें उस सिटी टैक्सी स्कीम के अंदर में जो ड्राइवर्स के लिए लिखा गया है। 2015 सिटी टैक्सी स्कीम की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, उसकी हर चीज़ें ड्राइवर्स पे तो थोप दी गई है, लेकिन वहीं ओला उबर के लिए जो लिखी गई है वो कहीं भी नजर नहीं आएगा आपको। यहां पे एक चीज बात करना बहुत जरूरी है कि जिस मानसिकता से ड्राइवर्स आज गुजर रहे हैं, क्या उनसे ये उम्मीद किया जा सकता है कि उनके आचरण जो है, उनका बिहेवियर जो है, वो किस तरह का हो सकता है? इसकी कई वजहें हैं जो मैं आपको बताता हूं। वही बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि पहले ड्राइवर्स लूटते थे। अभी मैं कल की न्यूज़ देख रहा था कि कल जब RFID टैग के लिए लाइन लगी हुई थी, गाड़ियों की कमी थी, तो 50% से 100% तक सर्ज प्राइसिंग, यानी कि 100 का किराया 200-200 रुपया वो वसूल रहे थे, 200 का किराया 400-400 वो वसूल रहे थे कैब एग्रीगेटर। तब तो किसी के मुंह में जुबान नहीं था। तो क्या लूटना अगर पैंट शर्ट और टाई पहन के लूटा जाए तो वो लूट नहीं होता क्या? खैर, इससे इतर सबसे बड़ी बात है कि उसी सिटी टैक्सी स्कीम में 2015 की बात कर रहा हूं, बार-बार रिपीट कर रहा हूं कि उसमें लिखा हुआ था कि जो किराया होना चाहिए टैक्सी का, जो एग्रीगेटर किराया देंगे, वो सरकार द्वारा निर्धारित किराए के हिसाब से ड्राइवर को किराया दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया जा रहा है उनको, क्योंकि इनकी मनमानी, ये अपने एल्गोरिदम के हिसाब से ड्राइवर्स को किराया दे रहे हैं, और जिस एल्गोरिदम में बहुत तरह का हेरा फेरी की संभावना होती है और किया जा रहा है। लेकिन उसी अपने सॉफ्टवेयर को जब ये सरकार को दिखाते हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, अगर एक ड्राइवर को 20 किलोमीटर का किराया 400 मिला, लेकिन उसमें 2 जगह उसने टॉल क्रॉस किया और 100-100 रुपये टॉल दिए, तो उसने जेब से 200 रुपये खर्च किए और उसको जो मूल किराया मिला मात्र 200 रुपये मिला है, लेकिन जब ये अपने सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट करते हैं सरकार के सामने तो वही पर किलोमीटर 20 रुपये दिखा देते हैं। वो ये नहीं दिखाते कि इसमें 200 रुपये टॉल भी था। ये मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है। आज के डेट में अगर आपकी रोजी रोजगार कोई छीन ले और आप अगर चुप बैठे हैं तो आप ये सोचिए कि आप पे क्या गुजर रही है। लेकिन आपके पड़ोस वाले का रोजगार अगर छिन रहा है और फिर भी आप चुप बैठे हैं तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपका जो रोजगार जा रहा है, बहुत लाखों लोगों के रोजगार जा रहे हैं, कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं उठ रही है कि हर लोग ये सोचता है कि अच्छा इसका भी चला गया तो अब अच्छा है, आओ फिर ताश खेले। तो कब तक खेलेंगे आप ताश?
इन सब के इतर एक और बात है कि ड्राइवर की हम सुरक्षा की बात करें, इनके एग्रीगेटर की सॉफ्टवेयर की बात करें, इनके सॉफ्टवेयर का जो वेरिफिकेशन होना था, सर्टिफिकेशन होना था STQA वगैरह से, वो सर्टिफाइड आज तक नहीं हुआ। इनके सॉफ्टवेयर पे कई दफ़ा सवाल उठा है, क्योंकि ये जिस तरह से किराया वहाँ पे, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से विदेशों में भी ये आरोप लगा इन ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर्स के ऊपर, जो ये ड्राइवर्स को अलग किराया दिखाते हैं, पैसेंजर्स को अलग किराया दिखाते हैं। ये 900-900 रुपए किराया वसूलते हैं, ड्राइवर्स को 300 रुपए किराया देते हैं, वही सरकार को कहते हैं कि हम बस 20% कमीशन लेते हैं। सिटी टैक्सी स्कीम 2015 को अगर इन्होंने फॉलो नहीं किया, और कोर्ट आज भी कह रही है कि ये फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, दिल्ली सरकार को फटकार लगाया है, तो अगर ये कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो इन पे 20 लाख रुपए प्रति महीना के हिसाब से जुर्माना लगा के क्यों नहीं वसूला जा रहा है। वहीं विदेशों की आप बात करेंगे तो ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर्स के ऊपर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाया वहां की सरकारें ने, और इन्होंने पे किया। ये महिला हरासमेंट की बात करते हैं, ये वहीं पे उबर पे ये आरोप था कि महिला के साथ जब हरासमेंट होता है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, विदेशों में ये भी आरोप लगा हुआ है। इनके ऊपर घूस देने का भी आरोप है, इनके ऊपर जासूसी करने का भी आरोप लगा था, जिसके तहत करोड़ों डॉलर इनको जुर्माना देना पड़ा था। तो आखिर इनके ऊपर जुर्माना हमारे भारत में क्यों नहीं लगता? वहीं गरीब जनता या ड्राइवर्स हो या आम आदमी हो, उनको वो अगर कोई कानून सरकार के लेके आती है और वो उसको फॉलो नहीं करता है तो कहते हैं कि अमुक डेट के बाद आपके ऊपर 10,000 जुर्माना, 50,000 जुर्माना, मतलब जुर्माना दर जुर्माना उनके ऊपर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन 2015 में सिटी टैक्सी स्कीम अगर आई और इन्होंने फॉलो नहीं किया तो हमारे माननीय न्यायालय ने कई बार कहा दिल्ली सरकार को कि ये फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनसे करवाइए। तो अगर ये इन्होंने फॉलो नहीं किया तो इन पे करोड़ों अरबों रुपए का जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए? वहीं गरीब जनता, चाहे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट हो, जो रोजी रोजगार कमा रहे थे, खा रहे थे ड्राइवर, उन पे हज़ारों रुपये, 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना है आज की डेट में। लेकिन वहीं ये बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के ऊपर कोई जुर्माना नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है कि अगर सवारी मोबाइल से बुक करके ड्राइवर की हत्या कर देती है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए, यह भी बखूबी उसमें लिखा जाना चाहिए। जो भी स्कीम बन रहा है उसमें लिखा होना चाहिए। अगर उसका एक ड्राइवर का गाड़ी ले बुक करके और उसका फर्जी पैसेंजर भाग जाता है और 9-9 महीने तक उसको इंतजार करना पड़ता है इंश्योरेंस के क्लेम के लिए, वो रोजी रोटी कहां से खाएगा, उसकी जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? इन कैब बेस्ड ऐप बेस्ड एग्रीगेटर की होनी चाहिए। ड्राइवर्स को 500-500 किलोमीटर ले जाके उसको पैसा नहीं दिया जाता है, सवारी उतर के भाग जाती है, उसकी जिम्मेवारी इन कैब एग्रीगेटर्स की क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक मोटा कमीशन ये लेते हैं, कहने को 20% लेते हैं लेकिन 50-60% कमीशन ये वसूल रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में हेरा फेरी करके। लेकिन सरकार इस सब चीज को जानते हुए भी नजरअंदाज कर रही है। अगर ये कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इनके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यहां पर एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो भी यूनियन संस्थाएं किसी भी के लिए भी संस्थाएं किसी भी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे हम ड्राइवर यूनियन या ड्राइवर की संस्थाओं की बात करें, अगर वो संस्था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है तो कभी आप ड्राइवर्स का कभी भी भला नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल हो जाता है और हो रहा है। कोई सत्ता पाना चाहता है और कोई सत्ता में दोबारा आना चाहता है, उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई कोई भी संस्था है वो आपका कभी भला नहीं होने देंगी। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अपने लिए खुद अपनी आवाज़ उठाएं, तभी आपका भला हो सकता है। ऐसे संस्थाओं के साथ कतई ना बैठे जो आपका इस्तेमाल या अपने मंच पे पॉलिटिकल लीडर्स को बुला के और सिर्फ भाषण देके और आपको और खुद तो माला पहनते हैं और आपको आगे बिठा कर टोपी पहनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, कैब एग्रीगेटर अपने मनमानी के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम का मतलब ये है कि जो ये किराया ड्राइवर्स को दे रहे हैं या सवारी से चार्ज कर रहे हैं उसमें वेटिंग टाइम, डिस्टेंस वगैरह जोड़ के ये किराया का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन इनके सॉफ्टवेयर में कई बार सवाल उठ चुका है कि ये अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। हर ड्राइवर को ईच डे यानी कि पर हर दिन उसको कितना काम किया उसकी एक स्टेटमेंट जानी चाहिए, किसी ड्राइवर के पास नहीं जाता है। और पेमेंट ये 7 दिन बाद करते हैं, तब तक उसके 4 भाड़े उसमें से गायब कर देते हैं। एक तो 6-7 रुपये में पर किलोमीटर में गाड़ी, बहुत सारे सबूत मैंने पहले दिखाए हैं, कई बार तो 900-900 रुपये का किराया बनता है, ड्राइवर को मात्र 300 रुपये पकड़ाया दिया जाता है। कितने ड्राइवर्स ने आत्महत्या कर लिए, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं इनके बिजनेस पॉलिसीज़ की वजह से, इसका आंकड़ा आने नहीं दिया जाता है। कितने ड्राइवर्स के परिवार बर्बाद हो गए, इसका आंकड़ा नहीं आने दिया जाता है। दोस्तों सवाल ये है
कि अगर ये ट्रेड, खासकर मैं टैक्सी ट्रेड या ट्रांसपोर्ट ट्रेड की बात करूं जहां लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, क्या इस ट्रेड को लूटा जा रहा है, तो क्या हमारा आपका फर्ज नहीं बनता कि हम आवाज उठाएं? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पहले ड्राइवर्स मनमानी करते थे, उसके लिए सरकार है, कानून है, उसकी गाड़ी उठा के बंद कीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए। लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरे टैक्सी ट्रेड को बदनाम करना या पूरे टैक्सी ट्रेड को एक कॉर्पोरेट के हाथों बेच देना, जो वो भी लूट रही है, सवारी को भी लूट रही है और ड्राइवर्स को भी लूट रही है, लेकिन वही अगर जब हादसा होता है पैसेंजर या ड्राइवर्स कोई भी हो, तो ये कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। ये कौन सा कानून है इनके ऊपर में? जरा आप इस चीज का फैसला कीजिए। सवाल यहां पे ये है कि आज कोई ऐसा बाजार नहीं है जो लूट पिट नहीं गया हो। उस दौर में अगर हम एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के खड़े नहीं होंगे, तो आज वो लूट रहा है, कल आप लूटेंगे, आज फिर आप भी लूट रहे हैं, तो आखिर यही सॉल्यूशन है? सुरक्षा सबकी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो आंकड़ा जो आने नहीं दिया जाता, आप देखेंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्राइम में टैक्सी के बाजार में, उस प्रतिशत में से ड्राइवर्स के ऊपर क्या क्या हुए हैं, कितने ड्राइवर्स की हत्याएं हो गई, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है ड्राइवर्स ने, कितने गाड़ी छीनने के इंसिडेंट हुए हैं, कितने ड्राइवर के साथ रोज मारपीट होती है, अगर इन आंकड़ों को आप गौर से देखेंगे तो इसका प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मोबाइल के थ्रू बुक करके और क्राइम करना इतनी बढ़ गई है गाड़ियों में कि उसका आंकड़ा आने ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है, ऐसे ही सवारी के लिए भी है कि कहते हैं ड्राइवर वेरीफाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको, कैब एग्रीगेटर्स को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको अपने व्यापार से मतलब है, अपने कॉम्पिटिटर से मतलब है, कोई गाड़ी चला रहा हो, कुछ भी चला रहा हो, कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ देखते हैं कि पर ट्रिप मेरा कितना, हफ्ते का हमारा पर ट्रिप ज़्यादा है, हफ्ते का हमारा पर ट्रिप ज़्यादा है कॉम्पिटिटर के लिहाज से अगर हम बात करें तो दोस्तों ये अगर कानून पालन ना करे बड़े बड़े कॉरपोरेट जो बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के व्यापार कर रहे हैं, चहेते बने हुए हैं सरकार के, तो इनके ऊपर कोई कानून नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन वही आम जनता अगर एक छोटा सा भी कानून का उल्लंघन करे तो उसके ऊपर हजारों और लाखों रुपए का जुर्माना और कई तरह की सजाएं। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस ड्राइवर से हम उम्मीद करते हैं कि उनका आचरण अच्छा हो, वहाँ सरकार द्वारा तय किराया, सरकार जो किराया तय करती है उसके लिए कमेटी बैठती है, पूरी टीम बैठती है, वो हिसाब किताब लगाते हैं, उसके बाद किराया तय किया जाता है। आज दिल्ली सरकार ने 9.5 रुपये ऑटो का किराया किया, कुछ तो हिसाब किताब लगा के किया गया है। वहीं पर ऐप बेस्ड टैक्सी वाले, एयर कंडीशन टैक्सी वाले को 8-8 रुपये 7-7 रुपये में गाड़ी चलवा रहे हैं, तो वो जिंदा रहेगा या मरेगा और ऑटो वाले का कैसे, उस पर कौन बैठेगा? वहीं कठुआ कमेटी की जिक्र करना यह जरूरी है कि जिस तरह से उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के दी, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया कि किस तरह से पूरे बाजार को ये बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जो कठुआ कमेटी की रिपोर्ट है उसमें सारा आंकड़ा, उन्होंने एक एक आंकड़ा दिया उठा के, लेकिन उस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं ऐसे दबा दिया गया। और ड्राइवर्स क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं है, उस रिपोर्ट को वो पढ़ नहीं सकते थे, तो उनके जहन में एक चीज बिठा दी गई है कि ये रिपोर्ट आपके खिलाफ है, जबकि वो रिपोर्ट एक तरह से टैक्सी ट्रेड के लिए ग्रंथ कह सकते हैं, मैंने पूरी इस रिपोर्ट की स्टडी करी है। कानून हम आम आदमी के लिए है, आप आम आदमी के लिए है, कॉरपोरेट वाले कानून की पालन नहीं करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम आप अगर कोई गलती करें तो हमें हजारों लाखों का जुर्माना और तरह तरह की सजाएं। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।